स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल मैथ किंग मेकर कंसेप्ट पे फोकस। आज हम एक बिल्कुल ब्रांड न्यू सीरीज आपके सामने लेके आ रहे हैं, दैट इज अर्थमेटिक सीरीज। अर्थमेटिक सीरीज को हमने तीन लेवल में डिवाइड किया है, लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री। लेवल वन उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने मैथमेटिक्स को कभी छुआ नहीं है, भूल चुके हैं बिल्कुल मैथमेटिक्स, उन लोगों के लिए हम लेवल वन सीरीज लेके आ रहे हैं। लेवल टू सीरीज थोड़ा सा और इंटरमीडिएट लेवल की सीरीज है। लेवल थ्री सीरीज बिल्कुल हाई फाई सीरीज है, जो आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, उन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी को कैसे, सबसे पहले लेकिन आपको लेवल वन लेवल टू देखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको लेवल थ्री समझ में आएगा। और इसको मैंने बहुत ही कम टाइम फ्रेम में डिसाइड किया है, कम टाइम फ्रेम में ही आपके लिए इसको बनाया है, ठीक है। तो लेवल वन बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, और अच्छे से इस लेक्चर को देखिए, लास्ट तक देखिए, तो आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको समझ आएगा। और लेवल टू पे तब जाएं जब आप लेवल वन कंप्लीट कर चुके हैं, और लेवल थ्री पे तब जाएं जब आप दोनों लेवल, लेवल वन और लेवल टू कंप्लीट कर चुके हैं, तभी आप लेवल थ्री पे जाएंगे, तो आपको मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, तो थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ। जैसे मान लेते हैं हमने लिखा है 3 to the power 5, तो यहाँ पर 3 को क्या कहते हैं, 3 को कहते हैं हम बेस, और 5 को कहते हैं हम एक्सपोनेंट कह दो या पावर कह दो, ठीक है, एक्सपोनेंट कह सकते हैं या पावर कहते हैं उसको, ठीक है। पढ़ते कैसे हैं इसको, 3 is to power 5, 3 is to power 5, इसको ऐसे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम नेगेटिव एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे हम 3 to the power -5 के बारे में नहीं पढ़ेंगे, 3 to the power +5 के बारे में नहीं पढ़ेंगे, 3 to the power -5 के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे एक्सपोनेंट जो होगा वो नेगेटिव होगा, ओके, समझ गए बात, ओके। तो अब उसके बाद हम देखो मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स पे आते हैं। मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स किसे कहते हैं, दो ऐसे नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पे आंसर 1 हो जाता हो। 1 क्या है, 1 है मल्टीप्लीकेशन की आइडेंटिटी। तो 10 को अगर हम 1/10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। तो यानी कहने का मतलब है 1/10 क्या है, 1/10, देखो ये जो मैंने नेगेटिव एक्सप्रेशन मैंने लिखा है, नेगेटिव एक्सपोनेंट जो लिखा है 3 to the power -5, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/3 to the power 5। जब इस एक्सपोनेंट को हम नेगेटिव एक्सपोनेंट को अगर हम डिनोमिनेटर में लेके आते हैं, सो नेगेटिव एक्सपोनेंट बिकम्स पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स, ठीक है। सो इसको लिख सकते हैं 1/3 to the power 5। ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि जब नेगेटिव एक्सपोनेंट्स को पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लिखना हो तो हम उसको डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, हम उसको न्यूमरेटर में नहीं लिख सकते हैं। अगर कहीं पर ऐसे लिखा हो 3 to the power -5, तो इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो ये पॉजिटिव एक्सपोनेंट हो जाएगा, 3 to the power 5, ठीक है। सो कहने का मतलब यह है कि जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाते हो एक्सपोनेंट को, सो उसका साइन जो है वो चेंज हो जाता है। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेके जाओ या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाओ, उसका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मैंने न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेके गया हूँ, साइन चेंज हो गया, -5 का +5 हो गया। यहाँ मैंने डिनोमिनेटर में था -5, अब इसको न्यूमरेटर में लेके गया तो साइन हो गया इसका +5, ठीक है। तो समझ गए बात। तो मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स 3 to the power -5 का मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 3 to the power 5 होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने क्लास 7th के अंदर पढ़ा है कि अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, -5 + 5 3 to the power 0, और जिसकी पावर 0 होती है उसका वैल्यू कितना आता है, 1 आता है। तो यहाँ पे हमने देखा है कि 3 to the power -5 और 3 to the power 5 का अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर मिलता है हमें 1। सो कह सकते हैं हम कि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स हैं, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई करने पे हमें 1 मिल जाता है, ठीक है। सो किसी एक्सपोनेंट का अगर हमें किसी ऐसे नंबर का हमें मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, उसके एक्सपोनेंट के पावर को, साइन को चेंज कर देते हैं। तो -5 है तो उसका उसका जो इन्वर्स हो जाएगा वो +5 हो जाएगा, +5 है तो उसका इन्वर्स -5 हो जाएगा, ठीक है। अंडरस्टूड द कंसेप्ट, ओके। अब हम सीखेंगे कि भाई ये तो कंसेप्ट हुआ आपका ये, अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देता हूँ, आपको फटाफट से जवाब देने हैं, ठीक है। उनके मुझे बताने हैं आपको रेसिप्रोकल,
रेसिप्रोकल भी कह देते हैं उसको, मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स भी कह देते हैं। तो 2 to the power -5 का मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स बताओ मुझे, 10 to the power -5 का बताओ, और 7 to the power -2 है, और 5 to the power -3 है, और 10 to the power -100 है। फटाफट से इनके मुझे मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स बताओ, कुछ नहीं करना इसके, सिर्फ एक्सपोनेंट की पावर का, एक्सपोनेंट जो है उसका साइन चेंज कर देना है। तो -4 है +4 हो जाएगा, -5 है +5 हो जाएगा, -2 है +2 हो जाएगा, -3 है +3 हो जाएगा, -100 है +100 हो जाएगा। समझ में आई बात? तो ये हो जाएंगे इसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब किसी नंबर को, डेसिमल नंबर को हमें एक्सपेंड करना है, ठीक है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट की फॉर्म में तो एक्सपेंड करना हम सीख गए हैं कैसे। जैसे मान लो मैंने लिखा 1 2 3 4 5, तो इसको हमें एक्सपेंड करना है। तो एक्सपेंड करने का तरीका क्या है, ये वंस प्लेस, ये 10 प्लेस, ये 100 प्लेस, ये 1000 प्लेस, और ये 10,000 प्लेस। तो हम क्या लिखते हैं, 1 × 10,000 ऐसे लिखते हैं ना, 2 × 1,000, 3 × 100 +4 × 10 और +5। तो ऐसे हम एक्सपेंड करते हैं नंबर्स को, ऑलरेडी हम क्लास 6 के अंदर पढ़ चुके हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 × 10⁴, 1 2 3 4 +2 × 10³ +3 × 10⁻² +4 × 10⁻¹ +5 × 10⁻⁴। ठीक है, जिसकी पावर 0 उसका वैल्यू 1 होता है। तो हमने क्या किया, इसको 10⁻⁴ में इसको हमने एक्सपेंड कर दिया। अब अगर यहाँ पे नंबर, ये नंबर के साथ साथ एक डेसिमल नंबर भी आ जाए, 2 3 5, तो ये डेसिमल नंबर है, तो अब इसका एक्सपेंशन कैसे लिखेंगे। देखो यहाँ तक तो ये बिल्कुल सेम रहेगा, है ना, और यहाँ पे क्या करना है हमें, देखो डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 लिखा है, तो हम लिखेंगे +2/10, एक जीरो लगेगी क्योंकि डेसिमल के जस्ट एक डिजिट के बाद है, और 3 कितने के बाद है, 2 डिजिट के बाद है डेसिमल के, सो सेकेंड डिजिट पे है तो वो 100th प्लेस हो जाएगा, और 5 कितने पे है, डेसिमल के बाद 3rd डिजिट है वो, तो 3 जीरो लगेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसको कहते हैं 10th प्लेस, इसको 100th प्लेस, इसको 1000th प्लेस, 1000th प्लेस। समझ में आई बात? तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको तो एज इट इज़ लिख देते हैं। अब इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ 2 × 10⁻¹। मैंने क्या कहा, 10⁻¹ है, इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ न्यूमरेटर में, तो ये +1 है तो ये हो जाएगा -1। 3 × 10⁻², है ये, इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ तो 10⁻²² हो जाएगा। सिमिलरली 5 × 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है। तो इस नंबर को मैंने एक्सपेंड कर दिया, डेसिमल नंबर को, इस फॉर्म में, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये हो गया इसका डेसिमल एक्सपेंशन, क्लियर है। तो ये और उसके साथ ये भी प्लस में है, उसके साथ ये प्लस में है, ठीक है, ये और ये मिलके दोनों इसका डेसिमल एक्सपेंशन एक्सपोनेंट फॉर्म में इसको हमने एक्सपेंड कर दिया। तो किसी नंबर को अगर आपको एक्सपेंड करना है एक्सपोनेंट फॉर्म में, तो उसका तरीका ये है, ठीक है। अब फटाफट से होमवर्क लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, कैसे हम एक्सपेंड करेंगे। एक एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, एक है 1025.63, इसको हमें एक्सपेंड करना है। तो एक्सपेंड कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे 1, 1 कौन से, 1 के बाद कितने जीरो हैं, 1 के बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, तो इसको मैं लिखूंगा 10⁻³, ये 0 × 10⁻², 2 × 10⁻¹ +5 × 10⁻⁴, ठीक है। अब सिमिलरली यहाँ पे 6 लिखा है, तो 6 को कैसे लिखेंगे, एक प्लेस के बाद है तो -1, ये 2 प्लेस के बाद है तो -2 लिखेंगे, ठीक है, समझ गए बात। तो ये इसका तरीका है एक्सपेंड करने का। तो इस तरह से हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। अब दूसरा एक और एग्जांपल देख लो, दूसरा एग्जांपल क्या है, 1256.249, इसको भी इसी तरह एक्सपेंड करेंगे। कैसे एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम 1, और कितने कितने नंबर हैं डेसिमल से पहले, 3 नंबर हैं, तो इसको लिखेंगे 10⁻³। यहाँ पर 2 है, इसके बाद कितने नंबर हैं, 1 2, तो इसको लिखेंगे 10⁻²। फिर 6 लिखेंगे 10⁻¹, ठीक है, ओके। अब लिखेंगे यहाँ पे क्या, सॉरी छूट गया ना इसमें, 5 छूट गया, 5 × 10⁻¹ +6 × 10⁻⁰, 6 × 10⁻⁰ +, अब 2 लिखा है यहाँ पे, तो
2 × 10⁻¹ + 4 × 10⁻²⁹ × 10⁻³⁹ समझ आई बात? तो इस तरह से हम इसको एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। ओके, तो कभी भी आपको अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन दिया है कि एक डेसिमल नंबर है उसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में एक्सपेंड करना है तो उसका तरीका ये है। ठीक है, अभी पढ़ेंगे हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कुछ नहीं, जो आपने क्लास 7th के अंदर पढ़े थे, सेम टू सेम है। बस यहाँ पे क्या है कि नेगेटिव एक्सपोनेंट्स आ जाते हैं आपके पास, तो कंसेप्ट वही लगेगा नेगेटिव एक्सपोनेंट्स के लिए भी। वहाँ हमने क्या पढ़ा था कि ए टू द पावर एम और ए टू द पावर एन, अगर ये सेम बेस है तो सेम बेस को क्या करते हैं, हम एडिशन कर देते हैं उसका, ए टू द पावर एम प्लस एन लिख देते हैं, ए टू द पावर एन अपॉन ए टू द पावर एन, तो यहाँ पे माइनस हो जाता है। मैंने क्या बताया था आपको कि ये ऊपर जाके इसकी पावर चेंज हो जाती है, तो ये हो जाएगा ए टू द पावर एम माइनस एन। इसका डिटेल्ड में देखने के लिए आप क्लास 7th का लेक्चर देखिए, सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, ए टू द पावर एम, पावर के पावर का अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हो जाता है एम एन, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और ए टू द पावर एम बी टू द पावर एम, तो इनको दोनों को मल्टीप्लाई करके, सेम पावर है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके उसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, और ए टू द पावर ज़ीरो हो तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो ये कुछ आपने एग्जांपल्स, कुछ फॉर्मूले हैं जो आपने क्लास 7th के अंदर पढ़े थे, तो इन्हीं पे बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, फॉर्मूले वही हैं जो 7th के अंदर थे, सिर्फ यहाँ पे नेगेटिव एक्सपोनेंट बढ़ जाता है बस। तो यहाँ पे देखो माइनस टू, एक एग्जाम्पल सोल्व करके दिखाता हूँ आपको, माइनस टू टू द पावर माइनस थ्री इंटू माइनस टू टू द पावर माइनस फोर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो माइनस टू और माइनस टू सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो माइनस टू की पावर माइनस थ्री और माइनस फोर, माइनस थ्री माइनस फोर। ऐड का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे थ्री प्लस फोर सेवन लिख देंगे, जो उसका साइन है उस साइन को भी लेके चलना है हमें, माइनस साइन है तो माइनस लिखेंगे, प्लस साइन है तो प्लस लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस टू टू द पावर माइनस थ्री और माइनस फोर कितने हो जाते हैं, माइनस सेवन हो जाते हैं। ठीक है, और एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, कभी भी अगर माइनस वन की पावर इवन है तो इसका वैल्यू होगा प्लस वन, और माइनस वन की पावर अगर ओड है तो इसका वैल्यू होगा माइनस वन। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे माइनस टू को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस टू को लिख सकता हूँ मैं माइनस वन इंटू टू इसकी पावर माइनस सेवन, है ना। अब माइनस, अब इसको सेपरेट करके लिख सकता हूँ, माइनस वन की पावर माइनस सेवन और टू की पावर माइनस सेवन। अब मैंने क्या कहा कि माइनस वन की पावर अगर ओड है तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस आ जाएगी, तो मैं इसको माइनस लिख दूँ, वन को लिखूँ ना लिखूँ नो प्रॉब्लम, और ये लिख दूंगा मैं टू टू द पावर माइनस सेवन। ठीक है, तो इस तरह से ये आ गया आपका आंसर। ओके, और कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो कंसेप्ट तो वही है जो 7th क्लास वाले हैं, बस यहाँ पे बस नेगेटिव एक्सपोनेंट्स चेंज हो जा रहे हैं। सो पी टू द पावर 3 इंटू पी टू द पावर माइनस 10 कैसे करेंगे, दोनों का बेस सेम है पी पी, तो पी की पावर 3 माइनस 10 दोनों ऐड हो जाएंगे, पी टू द पावर माइनस 7 हो जाएगा, 7 को नीचे लिख दूँ मैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन पी टू द पावर 7। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, 3 टू द पावर 2, 3 टू द पावर माइनस 5, 3 टू द पावर 6, बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 2 माइनस 5 माइनस 3, माइनस 3 प्लस 6 हो जाएगा प्लस 3, तो ये आ गया 3 टू द पावर 3, एक्सपेंड करके भी लिख सकते हो 3 3 3, ये हो जाएगा 27 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक से कुछ क्वेश्चन हैं जो नॉर्मली आप अपने फॉर्मूले लगा के सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब मैं कुछ आपके बुक्स में जो एग्जांपल दिए हैं एनसीईआरटी की बुक में, वो तो एग्जांपल सोल्व करते हैं तो थोड़ा सा और भी पिक्चर क्लियर होगी कि आखिर ये नेगेटिव एक्सपोनेंट्स का मतलब क्या होता है। एग्जांपल वन में दिया है कि टू टू द पावर माइनस थ्री की वैल्यू आपको बतानी है, तो टू टू द पावर माइनस थ्री का मतलब क्या है, वन अपॉन टू टू द पावर थ्री, वन अपॉन टू इंटू टू इंटू टू या वन अपॉन एट, आंसर आ गया। उसके बाद पूछ रहा है कि 1 अपॉन 3 टू द पावर माइनस 2,
माइनस टू को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस टू हो जाएगा, 3 to the power 2, 3 into 3 का आंसर आ जाएगा आपका 9। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल 2 है। एग्जाम्पल 2 में भी कुछ सिंप्लीफाई करना है, -4 to the power 5। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो इसकी बेस दोनों का सेम है, -4, तो बेस सेम होगा तो पावर जो है ऐड हो जाएंगे, तो 5 माइनस 10, तो -4 to the power 5 माइनस 10 हो जाएगा -5। ठीक है, अब देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर नेगेटिव यहाँ पे लिखा है और नेगेटिव की पावर पहले इसको जो है उसमें कर लो, 1 upon -4 to the power 5, नीचे लेके आएंगे तो प्लस पावर हो जाएगी, है ना। अब माइनस की पावर अगर ओड है तो आंसर माइनस में आएगा, माइनस की पावर अगर इवन है तो आंसर इवन में आएगा। तो माइनस की पावर यहाँ 5 है, 5 है आपका ओड नंबर, तो यहाँ पे मैं माइनस लिख देता हूँ, -1 upon 4 to the power 5, उसका मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो आप, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। अभी दूसरा एक एग्जांपल देख लेते हैं, 2 to the power 5 divided by 2 to the power -6, इसको देख लेते हैं। तो इसको हमें डिवाइड करना है दोनों को, ठीक है, दोनों का बेस जो है वो सेम है। तो हमने क्या पढ़ा था, 2 to the power 5 upon 2 to the power -6, हमने क्या पढ़ा था कि अगर इसको हम ऊपर लेके जाते हैं तो पावर सेम हो जाता, पावर का साइन चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2 to the power 5 into 2 to the power 6 + 6 हो जाएगा, है ना। अब क्या करते हैं, दोनों का बेस सेम है तो ऐड कर दो, 5 + 6 हो जाएगा, 2 to the power 11 हो जाएगा। ठीक है, आंसर 2 को 11 बार मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दोगे, आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, -4 to the power। अब हम क्या कर सकते हैं, बेस भी चेंज कर सकते हैं। जैसे किसी का बेस अगर 4 दिया है तो उसका बेस हमें 2 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे वो थोड़ा देख लो। एग्जाम्पल नंबर 3, 3 में कह रहा है कि भाई -4 to the power -3 एज ए पावर विद -2, हमें यहाँ पे -4 से -2 चेंज करना है। तो कैसे चेंज करते हैं, 4 to the power -3, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 square, 2 square कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, पावर पावर का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे 2 to the power 2 into -3 हो जाएगा, 2 into -3 कितना होता है, -6 होता है, तो माइनस को नीचे लेके आ जाएंगे, 2 to the power 6। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर लो 6 times, कितना हो गया। लेकिन हमें सिर्फ इसी में करना है, -2 में ही इसको एक्सपेंड करना है, तो इतना भी छोड़ सकते हो। ठीक है, -2 में हमने इसको लिख दिया। उसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4, 4 में सिंप्लीफिकेशन करना है, समझ आ गया ना बेस कैसे चेंज करते हैं। तो उसके बेस चेंज करने वाले जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकली उसको देख लेते हैं कि कैसे हम बेस चेंज करते हैं और कैसे उसको फिर सिंप्लीफाई करते हैं। ये हमें एक क्वेश्चन दिया है बड़ा टिपिकल सा, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सबको पहले जिसको बना सकते हो बेस सेम बना लो। ठीक है, तो यहाँ पे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है 2 to the power 5 divided by 2 to the power 8, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 to the power 5 2 to the power 8, और इसकी पावर लिखी हमने 5 2 to the power -5। ठीक है, अब ये जब पावर ऊपर जाएगी तो ये पावर माइनस हो जाएगी, तो ये लिख देंगे हम 2 to the power 5 - 8, इसकी पावर 5 into 2 to the power -5। इसको हम लिख सकते हैं 5 - 8 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और into 5 into 2 to the power -5। अब पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, -3 और 5 हो जाएगी -15, और 2 to the power -5, दोनों का बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, -15 - 5 कितना हो जाएगा, -20 आ जाएगा आंसर। इस तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, अब इस -20 को हम नीचे लेके कैसे लिखेंगे, 1 upon 2 to the power 20, इस तरह से हम उसको प्लस में लिख सकते हैं।
और कुछ एग्जांपल्स दिए हैं इसमें, इजीली सिंपली इसी तरह से करने हैं। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं जिसमें हम एक्सपोनेंट्स का यूज करते हुए एक वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, दो एक्सपोनेंट्स दिए होंगे आपको इक्वेशन की फॉर्म में, और वहां पे एग्जांपल नंबर 5 -3 to the power m+1, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, -3 to the power 5 -3 to the power 7। यहाँ पे आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो m की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में -3 to the power समथिंग बना लेते हैं और राइट हैंड साइड में -3 to the power समथिंग है ही ऑलरेडी, दोनों को कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो बेस सेम है, बेस सेम है तो दोनों पावर ऐड हो जाएंगी, m+1+5 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू -3 to the power 7 हो जाएगा। इक्वेशन जब हम लिखते हैं तो यहाँ पे इम्प्लाइज दैट का सिंबल लगाते हैं। सो -3 to the power m+6 हो जाएगा, इज इक्वल टू -3 to the power 7। तो अब हम यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग कंपेयरिंग एक्सपोनेंट विद द सेम बेस। ठीक है, विद द सेम बेस के साथ उसकी कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पे -3 है, यहाँ पे -3 है, इसका पावर है m+6, इसका पावर है 7। तो m+6 हो जाएगा 7, सिंपल इक्वेशन बन गई है। तो m इज इक्वल टू 7 - 6, दैट इज 1। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 1 आ गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके। तो एग्जाम्पल 6 सिंपल सा है, उसको आप इजीली आराम से कर सकते हो घर पे, तो ये मैं आपके लिए एक्सरसाइज के लिए छोड़ रहा हूँ। एग्जाम्पल 7 देख लो, 7 में थोड़ा सा टिपिकल सा है। कोई भी अगर आपको डाउट आते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करो, अपने डाउट पूछ सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 7 में पूछ रहा है कि 1/3 to the power -2 -1/2 to the power -3, और इस सारे का ब्रैकेट है, इसको डिवाइड करना है हमें 1/4 to the power -2। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो ये लिखा है 1/3 to the power -2, तो इसको हमें देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/3 to the power -2 माइनस, क्योंकि ये पावर को मैंने सेपरेट करके लिख लिया, 1/2 to the power -3। ठीक है, इसकी पावर भी कुछ दी है क्या? ओके, इसका कोई पावर नहीं दिया है। एंड डिवाइडेड बाय 1/, इसको मैं लिख दूंगा 4 to the power -2। ठीक है, अब ये माइनस पावर ऊपर जाके प्लस पावर हो जाएगी, तो ये 3 to the power 2 -2 to the power 3 डिवाइडेड बाय, ये पावर भी ऐसे ही हो जाएगी, 4 to the power +2 हो जाएगी उधर जाके। 3 to the power 2 कितना हो जाएगा, 9, -2 to the power 3 हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 4 to the power 2। तो 9 - 8 हो गया 1, 1 डिवाइडेड बाई 4 to the power 2, 4 to the power कितना होता है, 16 होता है, 1 डिवाइडेड बाई 16 कितना हो गया, 1/16। तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, अब ये जो चैप्टर हमने पढ़ा है यहाँ तक, एक्सपोनेंट जो पढ़ा है, अब इसका यूज़ हम पढ़ने वाले हैं कि आखिर इसका यूज़ क्या है। ठीक है, देखो बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ होती हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो लाइट का स्पीड होता है वो होता है 3 लाख किलोमीटर पर मिनट। ठीक है, ऐसा कुछ होता है, 3 लाख किलोमीटर पर मिनट या पर सेकंड। तो कहने का मतलब है कि एक अगर बहुत बड़ी क्वांटिटी लिखी है, बहुत बड़ी क्वांटिटी लिखी है, जैसे ये लिख दिया 3000000000। ठीक है, अब ये क्वांटिटी अगर हमें कहीं बार बार लिखनी हो तो बहुत बड़ी क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, लिखने में टाइम भी ज़्यादा लगेगा, ओके, और स्पेस भी ज़्यादा घेरेगा ये। तो इसको हम विद द हेल्प ऑफ एक्सपोनेंट बहुत इजीली ऐसे लिख सकते हैं, 3 × 10 to the power 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 × 10 to the power 8, 10 to the power 10, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो सबसे पहला जो इसका यूज़ है वो यूज़ है, आपको सिंपलर वे में लिख लिख सकते हैं हम,
सिंपलर वे में लिखा जा सकता है किसी बड़े नंबर को फॉर ए बिग नंबर, ठीक है। और ये जो सिंपलर वे हमने लिखा है, इस सिंपलर वे को कहते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। किसी भी बड़े नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है हमें, ठीक है। जैसे एक लिखा 1 2 3 4 5.678, अब इसको हमें सिंपलर फॉर्म में लिखना है। तो सिंपलर फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है कि डेसिमल जो लगाना है हमें, डेसिमल लगाना है हमें एक डिजिट के बाद, ठीक है। अब इस डेसिमल को हम इधर खिसका के लाते हैं, तो डेसिमल को इधर खिसका के लेके आए 1 2 3 4, फोर पावर हमने इधर, फोर प्लेस हमने इसको इधर खिसकाया। तो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कि जब हम डेसिमल को फोर पावर लेफ्ट में लेके आते हैं तो पावर प्लस हो जाती है, राइट में लेके जाते हैं तो पावर माइनस हो जाती है। तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया, तो इसको क्या कहेंगे हम, स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे। तो किसी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका ये है कि आपको जो पहला नंबर होता है वो लिखना है 1 और 10 के बीच, ठीक है। अब दूसरा एक देख लेते हैं। अगर ये मान लो ये लिखा होता कि 0.00678, तो इसको हमें अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। डेसिमल प्लेस को हम 1 और 10 के बीच लेके जाएंगे, तो 1 और 10 के बीच कौन सा है, फर्स्ट डिजिट ये 6 है हमारा, तो 6.78 लिखेंगे। अब हम कितने प्लेसेस हमने डेसिमल को खिसकाया, 1 2 3, बट हम लेके गए किधर, राइट साइड। तो राइट साइड जब लेके जाते हैं तो पावर माइनस हो जाती है, जितने नंबर हम उसको खिसकाते हैं तो पावर माइनस हो जाती है। तो इसको लिखने का तरीका ये है, 6.78 × 10⁻³। तो सबसे बड़ा जो यूज़ है एक्सपोनेंट्स का, वो यूज़ है कि हम किसी भी बिग नंबर को या किसी भी डेसिमल नंबर को एक छोटी सी फॉर्म में लिख सकते हैं, जिस फॉर्म को कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। दूसरा हमारा काम क्या है, दूसरा काम है, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैं देता हूँ आपको जो आपको सोल्व करने हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में उन नंबर्स को लिखना है। तो पहला नंबर लिखा मैंने 0.00000564, दूसरा मैंने लिखा 0.00000021, तीसरा मैंने लिखा 21600000, चौथा मैंने लिखा 15240000। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, डेसिमल को 5 के बाद लिखो, पहला नंबर 5.64 × 10⁻¹, कितना, कितने प्लेस पे लाए हम डेसिमल को, 1 2 3 4 5 6, 6 प्लेसेस पे लाए तो -6 हो जाएगा, राइट साइड में लेके गए हैं। यहाँ पे डेसिमल 2 के बाद लगेगा, 2.1, कितने प्लेसेस, 1 2 3 4 5 6, 6 प्लेसेस के बाद तो -6 हो जाएगा। यहाँ पे डेसिमल 2 के बाद लगेगा 2.16 × 10⁻¹, कहाँ डेसिमल था, यहाँ पे था, हम कितने प्लेस लेके आए उसको, 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लेस लेफ्ट लेके आए तो पावर हो जाएगी +7। यहाँ पे डेसिमल 1.5 के बाद लगेगा, 1.524 × 10⁻¹, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको, इस नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहला यूज समझ में आया कि एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का पहला यूज क्या है, कि हम किसी भी बड़े नंबर को एक सिंपलर फॉर्म में लिख सकते हैं और उस फॉर्म को कहते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। हमेशा जब भी आप हायर क्लासेस में कोई भी बड़े बड़े नंबर देखोगे तो वो हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखे होते हैं, ठीक है। दूसरा इसका यूज़ क्या है कि कोई बड़ी क्वांटिटी को हमें कंपेयर करना है तो उसको कंपेरिजन भी किया जा सकता है, कंपेयरिंग बिग क्वांटिटीज, ठीक है। जैसे जैसे क्या, देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने पढ़ा है कि 10⁻²⁹ kg होता है, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 10⁻²⁹ kg, ओके। मास ऑफ ए बॉल मान लेते हैं, उसका मास जो बॉल का है वो कितना है, 1 kg है। तो अब इन दोनों को कंपेयर करना है कि भाई ये देखो बहुत बड़ी क्वांटिटी है, ये बहुत छोटी क्वांटिटी है, जैसे ना एक्सपोनेंट माइनस हो जाता है तो क्वांटिटी और भी छोटी हो जाती है। तो हमें इन दोनों को कंपेयर करना है कि भाई कितने टाइम्स वो उससे बड़ा है। तो कंपेयर कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/10⁻², तो ये हो जाएगा, ऊपर पावर पहुँच जाएगी तो ये हो जाएगा 10⁻²⁹।
तो ये जो बॉल है वो इलेक्ट्रॉन से कितनी ज्यादा हैवी है, 10^29 हैवी है वो, ठीक है। दोनों का रेशो हमने फाइंड कर लिया, तो ऊपर बड़ी वाली बॉल का रेशो है, नीचे इलेक्ट्रॉन का रेशो है, इलेक्ट्रॉन के मास का रेशो है। तो दोनों को हमने कंपेयर किया तो हमने पाया कि 10^29 टाइम ये जो बॉल है वो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हैवी है, ठीक है। लेक्चर पूरा देखा आपने, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से मैं समझा पाया होगा। तो अगर इस चैनल में आगे भी आपको अपडेट चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक इस मुहिम को पहुँचाइए, जिससे कि मैक्सिमम लोगों तक बेनिफिट पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए मैथ किंग मेकर।